हेलो एवरीवन स्वागत है हाँ आपका मेरे यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट लर्नर प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल विद प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स सो वी विल स्टार्ट टुडे एन साइंस क्लास सेवन चैप्टर नंबर फोरटीन साइंस सब्जेक्ट के अंदर हम चैप्टर नंबर फोर्टीन इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफ़ेक्ट्स के बारे में जानेंगे इलेक्ट्रिक करंट आप अच्छे से जानते हैं सभी कि जब भी किसी वायर के अंदर से किसी भी प्रकार का चार्ज प्लस या माइनस पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज मूव करता है तो हम उसे इलेक्ट्रिक करंट बोलते हैं और इलेक्ट्रिसिटी बोलते हैं अब इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या रहता है अलग अलग सिचुएशंस में उसके बारे में हम जानेंगे नाउ क्वेश्चन नंबर वन ड्रा इन योर नोटबुक द सिंबल्स टू रिप्रजेंट द फॉलोइंग कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रिकल सर्किट्स कनेक्टिंग वायर्स स्विच इन द ऑफ पोजिशन बल्ब सेल स्विच इन द ऑन पोजिशन एंड बैटरी तो इसमें हम जानेंगे किस प्रकार से कौन कौन से ऐसे सिम्बल होते हैं जो किसी भी इलेक्ट्रिकल सर्किट के अंदर काम में आते हैं तो आंसर नंबर वन आप जैसा कि देख ही रहे हैं स्विच ऑफ पोजिशन में सिंपल एंड दिस वन इज़ द सिंबल नेक्स्ट टू बैटरी में सिंपल और टू बैटरी का सिंबल हम इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जो यूज करते हैं सर्किट डायग्राम में हम जो बनाते हैं कनेक्टिंग वायर सिंपल ऐसे बनाते हैं और वायर को शो करने के लिए हम लोग सर्किट डायग्राम के अंदर इस प्रकार से नेक्स्ट इलेक्ट्रिक सेल जो सिंगल है दैट वन और बल्ब बल्ब को इस प्रकार से दिखाया जाता है और स्विच ऑन पोजिशन में दिस इज द सिंपल एंड दिस वन इज द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर टू ड्रा द सर्किट डायग्राम टू रिप्रेजेंट द सर्किट शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू वन सो पहले हम क्वेश्चन में देख लेते हैं यहां पर स्विच ऑफ पोजिशन पे है स्विच एंड नेक्स्ट एक बैटरी है और सेल जिसे हम बोलते हैं एक बल्ब है सो so आंसर में ये आंसर में हमने स्विच ऑन पोजीशन में दिखाया गया है स्विच को और एक बैटरी का सिंबल है और एक बल्ब का आप देख सकते हैं बल्ब बैटरी और स्विच ऑन पोजीशन में एक सिंबल है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थ्री फिगर फोर्टीन पॉइंट टू टू शोज फोर सेल्स फिक्सड ऑन ए बोर्ड ड्रा लाइन टू इंडिकेट हाउ यू विल कनेक्ट देअर टर्मिनल्स विद वायर टू मेक ए बैटरी ऑफ ई फोर सेल तो आंसर में हम करेंगे टू मेक ए बैटरी ऑफ सेल्स द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल जैसा कि आपको दिखाया गया है मीन्स हम एक का पॉजिटिव दूसरे के नेगेटिव से जोड़ेंगे यहां पॉजिटिव नेगेटिव और यहां पर पॉजिटिव नेगेटिव ये कनेक्शन रहेगा हमारा अलग से इस प्रकार से इसके बीच में कोई भी सर्किट कोई भी चीज अप्लाइंसिस लगाए तो वह मूव करेगी इसी प्रकार से इसमें दिखाया गया है आपको डायग्राम के अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फोर द बल्ब इन द सर्किट शोन इन फिगर फोर्टीन पॉइंट टू थ्री डज नॉट ग्लो कैन यू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम मेक नेसेसरी चेंजेज इन द सर्किट टू मेक द बल्ब ग्लो मीन्स एक सर्किट दे रखा है उसमें बल्ब ग्लो नहीं करता तो क्यों नहीं करता और उसको किस प्रकार से हम बल्ब को ग्लो करवा सकते हैं तो आप देख सकते हैं जैसा कि डायग्राम में ही आपको नजर आ जाता है पॉजिटिव से पॉजिटिव सेल का कभी नहीं जुड़ सकता अगर जुड़ेगा तो ये कभी भी इसमें से करंट फ्लो नहीं होगा तो इसलिए हम लोग क्या है इसको राइट right वे इस प्रकार से जोड़ेंगे देख सकते हो आप लोग द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल ऑलवेज बी कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अनदर सेल हेयर द टू पॉजिटिव टर्मिनल आर कनेक्टिंग टू ईच अदर करेक्ट वन इज अरेंजमेंट इज एज फॉलो जैसा आपको दिखाया गया है डायग्राम टू में जिसमें बल्ब क्लो करता हुआ नजर आता है दिस वन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव नेम एनी टू इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मेनली दो ऐसे इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हैं नंबर एक हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जैसा कि आपको दिखाया गया है दिस वन दीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट दिस वन इज द मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हीटिंग मीन्स गर्मी का गुण दूसरा गर्मी का प्रभाव दूसरा मैग्नेटिक चुंबकीय प्रभाव तो वेन एन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए वायर द वायर गेट्स हीटेड दिस नोन एज द हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट विच इज़ यूज मैनी हीटिंग अप्लाइंसिस लाइक इलेक्ट्रिक हीटर इलेक्ट्रिक आयरन लाइट बल्ब एटसेट्रा नेक्स्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट When an electric current flows through a wire it generates magnetic field around it this effect is called magnetic effect of electric current magnetic effect of electric current has many appliances like power lift electric bell electric fan etc next question question number 6 when the current is switched on through a वायर ए कंपास निडल किप्ट नियर बाय गेट डिफ्लेक्टेड फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन एक्सप्लेन जैसा कि आपको सर्किट के अंदर दिखाया गया है बहुत बड़ा सर्किट हमने बनाया है और इसके आ पास में हमने रख दी एक कंपास निडल जैसे ही इसमें से करंट फ्लो स्टार्ट होता है तो कंपास निडल पहले वाले अपनी पोजीशन से भटक जाती है इसका मतलब कि इस वायर के अंदर भी कोई ना कोई चुंबकीय गुण बनता है जिसके कारण वो अपना पहले वाला जो दिशा निर्देश है उसको बदल के दूसरा बना लेती है आंसर नंबर सिक्स द करंट कैरिंग वायर प्रोड्यूस मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट वेन ए कंपास इज किप नियर दिस वायर द टू मैग्नेटिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू वायर एंड मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू कंपास इंटरएक्ट ईच अदर जिंग डिफ्लेक्शन इन मैग्नेटिक निडल उन दोनों के इंट्रैक्शन के कारण ही इसमें डिफ्लेक्शन शो होता है वेन द करंट इज स्विचड ऑफ देयर इज नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर मैग्नेटिक नेडल डज नॉट डिफ्लेक्ट फ्रॉम इट्स नॉर्थ साउथ पोजिशन नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन विल द कंपास निडल शोज डिफ्लेक्शन वेन द स्विच इन द सर्किट शोन इन फिगर या बाय फिगर फोर्टीन पॉइंट टू फोर इज क्लोज सी दिस वन फिगर क्या इसमें स्विच के द्वारा करंट फ्लो हो सकता है या इसमें डिफ्लेक्शन शो होगा तो मेरा आंसर है नो no. क्योंकि यहां पर जो स्विच है वो ऑफ पोजिशन पे है किस पोजिशन पे है ऑफ पोजिशन पे देख सकते हैं आप लोग ऑफ पोजिशन पे है मींस ब्रेकआउट है ये सर्किट क्लोज नहीं है इसमें करंट रुकता है एक जगह पे दूसरा इस सर्किट के अंदर आपको दिखाई दे रहा होगा कि किसी भी प्रकार की बैटरी या सेल से भी नहीं जोड़ा गया है तो इसका आंसर हम पढ़ते हैं अभी आंसर नंबर सेवन नो द कंपास नीडल विल नॉट शो डिफ्लेक्शन इवन थ्रो द स्विच इज क्लोज बिकॉज देर इज़ नो सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट बैटरी और सेल सेल भी नहीं है यहाँ पर एन इलेक्ट्रिक सेल और बैटरी नीड टू बी कनेक्टेड हेयर इन द एबसेंस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट देयर इज़ नो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द वायर हैंस देयर इज़ नो डिफ्लैक्शन मीन्स यहाँ पर किसी प्रकार का कोई डिफ्लैक्शन नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर बैटरी ही नहीं है और दूसरा अगर बैटरी होती भी तो स्विच ऑफ पोजीशन पे है तो ये दोनों चीज ऑन पोजीशन पे होनी चाहिए बैटरी प्रेजेंट होनी चाहिए तब जाके हमें मैग्नेटिक निडल के अंदर डिफ्लेक्शन शो होगा अदरवाइज नहीं होगा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर एट फिल इन द ब्लैंक्स ए लॉन्गर लाइन इन द सिंबल फॉर ए सेल रिप्रेजेंट इट्स पॉजिटिव टर्मिनल सेल के अंदर जो लोंगर लाइन होती है मीन दिस वन दिस इज द सेल ये जो लॉन्गर लाइन है दिस वन इज द पॉजिटिव टर्मिनल और दिस वन इज द नेगेटिव टर्मिनल नेक्स्ट द कंबिनेशन ऑफ टू और मोर सेल इज कॉल्ड बैटरी दो या दो से ज्यादा सेल्स को आपस में जोड़ते हैं हम लोग सीरीज में तो वो एक बैटरी कहलाती है सी वेन करंट इज स्विचड ऑन इन ए रूम हीटर इट बिकम होर्स गर्म हो जाएगा रूम हीटर के अंदर जैसे करंट जोड़ेंगे तो गर्म हो जाएगा नेक्स्ट है डी द सेफ्टी डिवाइस बेस्ड ऑन द हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट इज कॉल्ड ए फ्यूज उसे हम फ्यूज बोलते हैं यह हर घर में पाया जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर नाइन मार्क टी फॉर टी इफ द स्टेटमेंट इज ट्रू एंड एफ इज इफ द इट इज फॉल्स ए टू मेक अ बैटरी ऑफ टू सेल द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ वन सेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल ऑफ अदर सेल दोनों ही नेगेटिव टर्मिनल हो गए हैं तो यहां पर एक इसका जो आंसर रहेगा दैट वन इज द फॉल्स नेक्स्ट बी व्हेन द इलेक्ट्रिक करंट थ्रो द फ्यूज एक्सीड्स ए सर्टेन लिमिट द फ्यूज वायर मेल्ट एंड ब्रेक्स मींस अगर फ्यूज की वायर आ, सही है तो जब भी करंट अपनी लिमिट को क्रॉस करेगा तो फ्यूज़ की जो वायर है मेल्ट हो जाएगी और ब्रेक हो जाएगी सी ये ट्रू है आंसर सी एन इलेक्ट्रोमैग्नेट डज नॉट अट्रैक्ट ए पीस ऑफ आयरन पीस ऑफ आयरन को अट्रैक्ट नहीं करेगी इलेक्ट्रोमैग्नेट। ये बिल्कुल गलत है मैग्नेट कोई भी है आयरन को अट्रैक्ट करती है डी एन इलेक्ट्रिक बैल हैज़ एन इलेक्ट्रोमैग्नेट यस इलेक्ट्रो मैग्नेट होती है इलेक्ट्रिक बैल में मैंने चैप्टर की एक्सप्लेनेशन में आपको अच्छे से बताया था नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टेन डू यू थिंक कैन इलेक्ट्रो मैग्नेट कैन बी यूज फॉर सेपरेटिंग प्लास्टिक बैग्स फ्रोम ए गारबेज ही एक्सप्लेन क्या आप इलेक्ट्रो मैगनेट का यूज़ करते हैं गार्बेज हीप से किसी भी प्लास्टिक बैग को निकालने के लिए नॉट पॉसिबल बिकॉज प्लास्टिक को इलेक्ट्रोमैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करती किसी प्रकार की मैग्नेट अट्रैक्ट नहीं करते आंसर नंबर टेन में पढ़ते हैं हम एन इलेक्ट्रो इज जस्ट लाइक ए बार मैग्नेट एंड इट कैन अट्रैक्ट आयरन पीसिस ओनली प्लास्टिक डज नॉट हैव एनी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी सो इलेक्ट्रोमैग्नेट कैन नॉट बी यूज टू सेपरेट प्लास्टिक बैग्स फ्रॉम गार्बेज ही किसी भी कूड़े करकेट के ढेर से हम प्लास्टिक के बैग को अलग नहीं कर सकते किसी भी इलेक्ट्रोमैग्नेट या मैग्नेट के द्वारा क्योंकि ये इसको अट्रैक्ट नहीं करते नाउ क्वेश्चन नंबर इलेवन एन इलेक्ट्रीशियन इज कैरिंग आउट सम रिपेयर इन यूर हाउस He want to replace a fuse by a piece of wire. Would you agree? Give reason for your answer. आपके घर में कोई भी इलेक्ट्रिशियन रिपेयर करने के लिए आता है और जो फ्यूज की वायर है उसको बदलना चाहता है किसी भी वायर से क्या आप इसके लिए एग्री हैं तो आंसर नंबर इलेवन में फ्यूज इज ए डिवाइस दैट इज ए सेफ गार्ड टू ऑल आवर इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस फ्यूज़ हमारी सारी इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस को सेफ रखता है दे आर मेड अप ऑफ स्पेशल मटीरियल विच मेल्ट क्विकली एंड ब्रेक वेन ए लार्ज इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट ये जो इसकी वायर है वो एक स्पेशल मटीरियल से बनी होती है जो जल्दी से पिघल जाती है और सर्किट को ब्रेकआउट करते कर देती है जब भी लार्ज अमाउंट का इलेक्ट्रिक करंट इसके अंदर से पास होता है इफ द इलेक्ट्रिशियन डज नॉट यूज प्रॉपर फ्यूज वायर इंस्टिड ही यूज एनी ऑर्डनरी इलेक्ट्रिक वायर एज फ्यूज इट इंक्रीज द रिस्क ऑफ ओवर हीटिंग ऑफ वायर्स ड्यू टू फ्लो ऑफ एक्सेसिव करंट मीन्स अगर किसी भी एरी गेरी वायर को वो लगा देते हैं इलेक्ट्रीशियन तो उससे खतरा बढ़ जाता है जब भी ज़्यादा करंट आएगा तो घर में डायरेक्ट जाएगा जिससे हमारी जो इलेक्ट्रिकल अप्लाइंसिस हैं उनमें फायर लग सकती है और वो अपनी कार्य को छोड़ देंगे इट मे लीड्स टू शॉर्ट सर्किट इन इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट एंड दीज अप्लाइंसिस मे कैच फायर इट इज़ एडवाइज टू यूज स्टैंडर्ड फ्यूज़ वायर और एम सी बी टू प्रिवेंट्स इलेक्ट्रिकल एक्सीडेंट्स इसमें एक न्यू वर्ड आया है एम सी बी एम सी बी एम सी बी ऑल्सो यूजड इन प्लेस ऑफ फ्यूज व फ्यूज फ्यूज की जगह पे आजकल हम एम सी बी का यूज करते हैं इसकी जो फुल फॉर्म है मिनिएचर सर्किट ब्रेकर इसको बोलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर ट्वेल्व जुबेदा मेड एन इलेक्ट्रिक सर्किट यूजिंग ए सेल होल्डर ए स्विच एंड ए बल्ब वैन सी पुट द स्विच इन द ऑन पोजिशन द बल्ब डिड नॉट ग्लो हैल्प जुबेदा इन आइडेंटिफाइंग द पॉसिबल डिफेक्ट्स इन द सर्किट मीन्स एक सर्किट तैयार करते हैं तैयार करती है जुबेदा और सारा सर्किट जोड़ने के बाद भी बल्ब नहीं जलता तो इसके पॉसिबल वेज बताएं कि क्या डिफेक्ट इसमें रह गया है तो आंसर नंबर ट्वेल्व पॉसिबल रीजन्स आर एज फॉलोज द बल्ब मे बी फ्यूज और डिफेक्टिव बल्ब फ्यूज हो सकता है या डिफेक्टिव हो सकता है सेल आर नॉट कनेक्टेड प्रॉपरली और सेल प्रॉपरली कनेक्ट ना हो देयर मे बी लूज कनेक्शन और कोई लूज कनेक्शन रह जाए तो भी बल्ब नहीं जलेगा तो भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा द स्विच इज़ नॉट फंक्सनिंग वेल और सम टाइम क्या है जो हमारा स्विच है वो अच्छी तरह से काम नहीं करता तो भी हमारा बल्ब ग्लो नहीं करेगा द सेल्स आर राइज अप या सेल सूख गए हों जिनके अंदर पावर ना हो एग्जोस्ट हो चुके हों यानी कि उनकी जो एक्सपायरी डेट है वो ख़त्म हो चुकी हो आके जा चुकी हो तो वो वर्कआउट नहीं करेंगे so that is why bulb does not glow next question number 13 in the circuit shown in figure 14.25 would any of the bulb glow when the switch is in the off position second what will be the order in which the bulbs a b and c will glow when the switch is moved to the on position तो हम इसके बारे में जानेंगे आंसर नंबर थर्टीन फर्स्ट पॉइंट में नन ऑफ द बल्ब विल ग्लो व्हेन द व्हेन द स्विच इज इन द ऑफ पोजिशन जब भी स्विच का ऑफ पोजिशन रहेगा तो बल्ब ग्लो नहीं करेगा स्विच ऐसा आ गया स्विच जब भी ऑफ पोजिशन पर रहेगा कोई भी बल्ब नहीं जलेगा क्यों कोई भी बल्ब ग्लो नहीं करेगा क्योंकि यहां पर हमारा जो सर्किट है वो ब्रेक डाउन हो जाता है नेक्स्ट वेन द स्विच इज मूव टू ऑन जैसे इसको हम ऑन करते हैं सर्किट इज कंप्लीट एंड सर्किट इलेक्ट्रिक करंट विल फ्लो इमीडिएटली ऑल ऑफ द बल्ब विल ग्लो इंस्टेंटली जैसे ही सर्किट कंप्लीट होता है हमारा स्विच ऑन होता है तो सारे के सारे बल्ब्स में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है जिससे क्या है बल्ब ग्लो करना शुरू कर देते हैं एकदम नाउ एक्स्ट्रा क्वेश्चन एंड आंसर फर्स्ट क्वेश्चन हु वर थॉमस एल्वेडिशन एंड हैंस क्रिस्टन अरेस्टेड आंसर नंबर वन फर्स्ट थॉमस एलवेडिशन साइंटिस्ट है ये द क्रेडिट फॉर द इन्वेंशन ऑफ द इलेक्ट्रिक बल्ब इज यूजुअली गिवन टू थॉमस एल्वेडिशन मीन्स इलेक्ट्रिक बल्ब की जो इन्वेंशन हुई थी वो सिर्फ थॉमस एल्वा एडिशंस के द्वारा ही संभव हो पाई थी थ्रो अदर बिफोर हिम हैड वर्क वर्कड ऑन द इट एडिशन वाज ए रिमार्केबल मैन ही मेड सम थर्टीन हंड्रेड इन्वेंशंस इंक्लूडिंग द इलेक्ट्रिक बल्ब ग्रामोफोन द मोशन पिक्चर कैमरा एंड द कार्बन

फर्स्ट पर्सन हु नोटिस द डिफ्लेक्शन ऑफ कंपास नीडल एवरी टाइम द करंट वाज पास थ्रू द वायर मींस इन्होंने बताया था कि हम कंपास नीडल के अंदर डिफ्लेक्शन होता है जब भी हम उसको लाइव करंट वायर के पास लेके जाते हैं सो नेक्स्ट थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल लॉयन हार्ट की इन लर्नर प्रेस बेल आइकॉन फॉर मोर अपडेट्स OK.